इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली इलाके के कल्याणपुरी मौजूद हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बकायदा जो डीडीए का बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और आरोप है कि ये जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं निर्माण कार हुआ था, ये अवैध निर्माण कार था। तो लिहाजा जो ये डीडीए का बुलडोजर है यहाँ पर पहुंचा हुआ है, फिलहाल इस मकान को, इस दुकान को ध्वस्त करने का जो काम है वो बुलडोजर के जरिए आप देख पा रहे हैं। बकायदा इस तरह से बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में होता है। हालांकि आपको बता दूं कि जब ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा था तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है कुलदीप, वो यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर आप तैनाती देख पा रहे हैं। कल्याणपुरी इलाके की बात करें तो दो बुलडोजर सुबह के वक्त यहाँ पहुंचा था, और फिलहाल अगर सामने की तरफ आप देखें तो दो बुलडोजर आपको यहाँ पर खड़े दिखाई देंगे, जिसमें से एक बुलडोजर वो इस तरीके से ये जो अवैध निर्माण हुआ था इसे ढहाने का काम कर रहा है। और इन सब के बीच भारी फोर्स की तैनाती की गई है कि अगर कोई विरोध करता है तो कैसे उससे निपटना है। इसको देखते हुए सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर एनसीडी या कहीं कहीं बुलडोजर वो सड़क पर आता है तो जो तमाम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बुलडोजर के सामने आए जाए, और इसी के तहत जो इलाके के विधायक है कुलदीप, वो जब आए बुलडोजर के सामने विरोध प्रदर्शन किया तो स्थानीय पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। ये दूसरा बुलडोजर आप देख पा रहे हैं, ये बुलडोजर अब दूसरी तरफ जा रहा है, और वहां पर भी इन इलाकों में जो अवैध निर्माण हुआ है उस पर ये बुलडोजर चलेगा। तो एक के बाद एक जो जहांगीरपुरी से बुलडोजर की शुरुआत हुई थी, ये बुलडोजर शाहीनबाग भी पहुंचा था, और जहां ये बुलडोजर पहुंचता है जाहिर सी बात वहां पर राजनीतिक हंगामा भी होता है, और इन सबके बीच यहां पर जो तमाम यहां पर अवैध निर्माण को तोड़ने का काम है वो यहां पर किया जा रहा है।